नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस न्यू अतुल इलाइट प्लस 2024 के लेटेस्ट वेरिएंट ई रिक्शा के बारे में। तो दोस्तों एंड का हमारे साथ बना रहेगा चैनल में। दोस्तों पहली बार हमारा यहाँ पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास से लगे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से आपको हर नए नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरह से हमेशा मिलते रहें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो आप हम यहाँ पर लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ बात कर लेते हैं की के बारे में। तो आपको उस तरह की चार इग्निशन की यहाँ पर इसकी मिलने वाली हैं। और साथ साथ बात करेंगे प्राइजिंग की, तो लगभग 1,65,000 रुपये के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है अनंत ऑटोमोबाइल्स अजमेर पर। और दोस्तों इस तरह की नज़र आती है इसका फ्रंट व्यू, और सामने बिग साइज की फ्रंट विंड स्क्रीन मिल जाती है। उसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल वाइपर्स भी कंपनी देने वाली है। ऊपर आपको इसके एक LED लाइट मिल जाती है नाइट मोड के लिए। इस तरह की नज़र आती है इसकी रूफ। नीचे आपको अतुल इलाइट की ब्रांडिंग मिल जाती है और मजबूत बॉडी मिलती है। फ्रंट में आप देख सकते हैं और सामने आपको एक हेडलाइट सेटअप मिलता है पूरा हाई बीम और लो बीम हेलोजन बल्ब सेटअप के लिए। इधर आपको पार्किंग लैंप्स और इंडिकेटर्स लैंप मिलती है वो भी LED। सस्पेंशन की बात की जाए स्ट्राइट हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है सिंगल हॉर्न आप यहाँ पर देख पाएंगे। नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है और आपको यहाँ पर शोकर मिल जाते हैं। आगे डायमंड कट वाले व्हील्स देख पाएंगे। टायर के यहाँ पर बात की जाए तो 3.75 12 इंच के टायर आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। इस तरह के मिलते हैं इसके आउटसाइड मिरर, जिससे कि पीछे की जो साइड है पूरी ऐसे ड्राइवर कवर कर पाए। यहाँ पर मिलते हैं इसके मैनुअली पार्किंग ब्रेक्स। हैंडल बार स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें करते हैं की ऑन और सामने देखेंगे डिजिटल इसका क्लस्टर, जिसमें को बैटरी और किलोमीटर बताएगा। ये वाइपर मोटर आपको मिल जाती है। इसके कंट्रोल इसमें ही आपको देखने को मिलेंगे। ये हाई बीम लो बीम कंट्रोल्स, इंडिकेटर कंट्रोल्स, हॉर्न के कंट्रोल्स और हेडलाइट यूनिट कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसे चालू करते ही हेडलाइट यूनिट चालू हो चुकी है और इसे वापस यहाँ से बंद कर सकते हैं। फ्रंट और रिवर्स आप यहां से ले सकते हैं। इसे आगे पीछे एक्सलेटर्स, ये हैं आगे के ब्रेक और पीछे के ब्रेक यहां पर पैर में नीचे आएंगे। यहां पे ड्राइवर कोई अपना छोटा मोटा सामान मोबाइल वगैरह कुछ रख सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्पेस यहां पे मिलता है। रियर ब्रेक हो यहां पर देख सकते हैं ड्राइवर के लिए सेटिंग मिल जाती है। ड्राइवर के लिए बैक सपोर्ट, यहाँ पर ड्राइवर के अलावा एक जना और बैठ सकता है दोस्तों वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर बॉटल होल्डर स्पेस मिलता है ड्राइवर बाइक के लिए और इसके साथ कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक फ़ैन भी दे रही है ताकि आपको गर्मी नहीं हो। छोटा सा फैन वो कंपनी देने वाली है। और नाइट मोड के लिए ऊपर रूफ लाइट आपको मिलने वाली है इसके, और इस कंपनी आपको एक म्यूजिक सिस्टम से लगा के दे रही है जिससे कि अगर पैसेंजर बैठे हो तो बोर नहीं हो। इसके लिए आप उनके लिए म्यूजिक भी चला सकते हैं। ब्लूटूथ है, ऑक्स की है, USB पेंडर सब सिस्टम आपको इसमें मिलने वाला है। अतुल की ब्रांडिंग मिलती है आपको इसके म्यूजिक सिस्टम में। दो स्पीकर सेटअप दे रही है कंपनी आपको यहाँ पर। ये रूफ लाइट मिल जाती है। और आइए चलते हैं इसके पैसेंजर रूम में। यहाँ से जो पैसेंजर आसानी से अंदर एंट्री ले सकते हैं और काफ़ी सारा अंदर स्पेस मिलता है लेग रूम्स का और हेड रूम्स का। दो इधर बैठ सकते हैं और दो इधर आसानी से भी बैठ सकते हैं। और दोनों के बैठने के लिए बैक सपोर्ट भी आपको मिलते हैं पैसेंजर के लिए देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह के हैंडल बार मिलते हैं पकड़ने के लिए, जिस पर इलाइट की ब्रांडिंग भी आपको मिलती है। अंदर एक बार एंट्री लेते हैं और काफ़ी आरामदायक सीटिंग आपको यहाँ पर मिलती है दोस्तों। दो की इधर मिलती है और दो की इधर मिलती है, टोटल 4+ DA आता है। और जगह जगह आपको इसके अंदर अतुल इलाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी के लिए एक फायर एक्सटेंशन टैंक भी कंपनी आपको छोटा सा देने वाली है यहाँ पर। और इस तरह का नज़र आता है इसका रियर प्रोफाइल्स। और यहाँ पर मिलता है इसका स्पेयर व्हील आपको, और इसके ऊपर आपको एक कवरिंग भी दी गई है जिसपे अतुल इलाइट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी मजबूत और स्टाइलिश इसकी बॉडी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसी बॉडी शायद आपको किसी भी
रिक्शा में नहीं देखने को मिलेगी। ऊपर इंडिकेटर्स लैंप्स और रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप मिल जाती है, वो भी एलईडी ही। रिफ्लेक्टर देख पाएंगे, अतुल की ब्रांडिंग, एक मजबूत आपको यहाँ पर छोटा सा बम्पर भी कंपनी देने वाली है सेफ्टी के लिए। और पीछे की बात की जाए, पीछे आपको यहाँ पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जो कि मजबूत मिलता है दोस्तों। और नीचे ही आपको इसके एक डीसी ब्रशलेस मोटर मिल जाती है जिसकी इसकी जो पावर इसकी क्षमता को बढ़ाती है। और दोस्तों ब्रेकिंग पर बात की जाए तो आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलता है, 12 इंच टायर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ साथ बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो यहाँ पर इसके लंबे होने वाले 2780 mm, चौड़ाई होने वाली है 995 mm और ऊंचाई होने वाली है 1795 mm। व्हीलबेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 1995 mm का व्हीलबेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm का इसका आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है। 1 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियरबॉक्स सिस्टम आपको इसमें मिलता है। ग्रॉस वेट की बात की जाए 699 kg इसका ग्रॉस वेट और 322 kg इसका कार वेट यहाँ पर रहने वाला है। इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 25 किलोमीटर आसपास, और एक बार चार्ज करने पर आप इसको 80 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला सकते हैं और 6 से 8 घंटे के अंदर इसको आप फुल चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और सभी पॉपुलर ब्रांडों में से एक है ये अतुल का इलाइट प्लस ई रिक्शा। और आइए एक बार इसकी बैटरी की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी सेटिंग के नीचे मिलते हैं इसका पूरा बैटरी सेट। 2 का आपको इधर सेट मिलता है और 2 का आपको इस वाले सेट के नीचे मिलता है। टोटल 4 बैटरी का सिस्टम मिलता है इसमें और 1250 वोल्ट की आपको इसके अंदर मोटर मिलती है। ब्रशलेस डीसी मोटर मिलती है 1250 वोल्ट की जो कि 1 HP की पावर जनरेट करती है और इसे इस रिक्शा को मजबूत और चलने में सक्षम बनाती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये न्यू अतुल इलाइट प्लस इलेक्ट्रिक रिक्शा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।